मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कई गांव देश की आजादी के 78 साल बाद भी आज तक सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के मोहताज हैं। सरकार और प्रशासन भले ही चाहे जितना बखान कर ले और ढिंढोरा पीट ले, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ कार्य योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चल रही हैं, यथार्थ और जमीन पर कुछ भी नहीं है। सरकार भले ही गंभीर बीमार और दुर्घटना में घायल लोगों को आवश्यकता पर एयरलिफ्ट कर महानगरों के सर्व सुविधा युक्त अस्पतालों में पहुंचाकर उनकी जान बचाने के लिए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आजादी के 78 साल बाद भी पन्ना जिले के कई आदिवासी ग्रामीण अंचल वाले गांवों में सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए लोग मोहताज हैं। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। ये ताजा मामला पवई विधानसभा एवं शाहनगर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत महगवा के ग्राम भोपार से सामने आया है, जहां गंभीर रूप से बीमार महिला जगरानी गौड़ पति खजान सिंह गौड़ को अस्पताल ले जाने के लिए परिवार के लोग मजबूरी में लकड़ी और चादर की डोली बनाकर कंधों के सहारे जंगल और पहाड़ी रास्ते से अस्पताल ले जा रहे हैं। यहाँ अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हकीकत जान लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पन्ना में भले ही हैंगिंग ग्लास ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा हो और नेशनल हाईवे के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण की बात चल रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आजादी के 78 साल बाद भी पन्ना के कई आदिवासी गाँव सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के मोहताज हैं। सड़क नहीं होने से बारिश के दिनों में कई गांवों का आवास में आवागमन बंद हो जाता है। बिजली के अभाव में कई गांव के लोग इस आधुनिक युग में भी पुराने जमाने का जीवन जीने को मजबूर हैं। पेयजल सुविधा के अभाव में दूषित पानी से कई गांव बीमारियों की चपेट में हैं। वहीं जब इस मामले में नायब तहसीलदार बिसानी से सवाल किया गया तो वो मामले से पल्ला झाड़ते और बचते नजर आए। आइए आपको सुनाते हैं मामले पर क्या है नायब तहसीलदार का कहना। श्रीमान जी, साईनगर जनपद पंचायत अंतर्गत, साईनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत है महगमा बराहो जी, वहाँ पर मूलभूत सुविधा ना होने के कारण सर, वहाँ पर कोई बीमार हो जाता है तो लोग वगैरह डोली में लेके जा रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो आया है, मीनाबाई यादवासी है जी। मूलभूत सुविधा ना होने के कारण एम्बुलेंस सुविधा, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, सब चीज़ मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे श्रीमान जी? इस संबंध में SDM मैडम द्वारा जनपद अपने CEO साहब को निर्देशित किया गया है, CMO साहब को भी निर्देशित किया गया है वहाँ पे प्रॉपर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने के लिए, ताकि वहाँ के गाँव में कोई परेशानी आती, बीमार होता है तो उनके लिए उचित व्यवस्था मिल जाए। सर रोड ही नहीं है सर वहाँ पर। अब रोड के लिए प्रस्ताव गया है उप मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है, वहाँ से एक रोड निकल रहा है, जिस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा वन भूमि की जगह शासकीय राजस्व भूमि देने का प्रस्ताव हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जल्दी ही उसका निराकरण हो जाएगा। पन्ना जिले के महगमा बारहो में आवागमन के अभाव में 21वीं शताब्दी में घाट पर पालकी स्वरूप बनाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाए जाने का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। मैं सत्ताधारी दल के लोगों से अपील करता हूं कि दूरस्थ इलाकों में प्रॉपर एम्बुलेंस का इंतजाम हो, ताकि लोग उचित माध्यम से उचित समय पर इलाज के लिए अस्पताल में आ सकें। बहुत दुख की बात है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता सुख भोगने में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें जनता की खोज खबर नहीं बची है। साधन के अभाव में, इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पर सड़कें नहीं हैं, एम्बुलेंस नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, नर्स तक नहीं है और लोगों की जानें जा रही हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ऐसे मामलों में सत्ता में बैठे लोग संज्ञान में लें और उसको दुरुस्त करें। जी तिवारी जी, बताएं इस संबंध में। एक्चुअली जिस महकमा बाराहो भोपाल की बात की जा रही है, बड़े दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अमृतकाल चल रहा है पूरे देश और प्रदेश में। यहाँ के सांसद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा है,
विधायक प्रहलाद लोधी जी हैं। चारों तरफ जंगल राज, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। रोड रास्ता अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो पहली बारिश में उखड़ जा रही है। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं। हमें बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ बीडी शर्मा जी जिस आक्रामकता के साथ अपने क्षेत्र के विकास का बखान करते हैं, मैंने अपने जीवन में इतना अकर्मण्य, असफल, अज्ञानी सांसद नहीं देखा। पवई विधायक की योग्यता सिर्फ जाती है और जितना दोषी भारतीय जनता पार्टी के सांसद बीडी शर्मा आज विनाशकारी के रूप में अपनी पहचान बना चुके, विकास को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुके, लोग इलाज के अभाव से काल के गाल में जा रहे हैं, उतने दोषी इसके पूर्व भी जितने विधायक और मंत्री, चाहे वो मुकेश नायक जी रहे हो, चाहे वो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह रहे हो, या आज बीडी शर्मा जी हैं, सारे लोग इसके दोषी हैं। सबसे ज़्यादा आदिवासी, गरीब, दलित काल के गाल में जा रहा है। कोई सर्पदन से मृत्यु हो रही, कोई बीमारी में अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा, डंडों के सहारे डेड बॉडी और मरीजों को ले जाना पड़ रहा, ये बड़े शर्म की बात है। विष्णु दत्त शर्मा जी या तो इस्तीफा दें या जनता से माफ़ी मांगें और कारण बताएं कि 10 साल से सांसद हैं, आखिर इस क्षेत्र का विकास काहे नहीं हुआ, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्थाएं क्यों ध्वस्ते हैं, ये विष्णु दत्त शर्मा को बताना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।